दशमेश पिता, अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर पे रखी, बल बख्शी, बल बख्शी कि आज मैं अपनी जिंदगी के सब तो बड़े इम्तिहान में सफल हो सका। ये सरबंस का वरदान दे कि सच अति साफ इमारत पे चलते हुए मेरे कदम अटोर रहे। We must have the courage to take their anger. 13 अप्रैल 1919 जद जनरल डायर ने जलियांवाले बाग च सैकड़े लोकां ते गोलियां चलाईयां सन, निर्दोष निहत्थे लोकां नूं मारिया सी अते लोकां ते गोलियां चलाउण दा आदेश दित्ता सी उस वेले दे पंजाब दे माइकल ओ जवायर ने। शहीद उधम सिंह तो ओ सब वेख्या ना गया अते इस घटना ने उन्हां दी जिंदगी बदल के रख दित्ती। उधम सिंह ने श्री हरिमंदर साहिब दे सामने इस घटना दा बदला लैण दी सौं चुकी। 26 दिसंबर 1899 नूं सुना होए उधम सिंह देश दे उन्हां महान शहीदां विचों इक ने जिन्हां दा नां सुण के अज वी देश दे नौजवानां दे दिल च क्रांतिकारी बनण दी तांग जगदी है। जलियांवाले बाग च होई घटना तों बाद उधम सिंह अमरीका चले गए। जद वापस आए तां अपने नाल कुछ हथियार लैके आए जिस कारण फिरंगियां ने उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया। 1931 च जेल तो बाहर आने बाद उन्होंने एक साइन बोर्ड पेंटर की दुकान खोली, पर उस वेले श्री उधम सिंह जी ने अपना नाम रखिया राम मोहम्मद सिंह आजाद। 13 मार्च 1940 आखिर वो दिन आ ही गया जिसका शहीद उधम सिंह नु काफी देर तो इंतजार सी। इंग्लैंड के कैक्सटन हाल च जिथे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मीटिंग चल रही थी, शहीद उधम सिंह ने माइकल और डवायर से दागिया 5 गोलियां। उस तो बाद शहीद उधम सिंह उतो फरार नहीं हुए, सगो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के लिए अपना फर्ज अदा किया है। शहीद उधम सिंह नु गिरफ्तार कर लिया गया। From another Jallianwala Bagh of Amritsar, today in Africa. No.